गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जेएनयू और सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर कि अभी अभी एक और क्लास का रिजल्ट पब्लिश हुआ है जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बता देंगे कौन सी क्लास का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाकर सर्च करना है जेएनयू रिजल्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट सेटअप की स्क्रीन पर अपनों की जहाँ रिजल्ट लिखा है वहाँ पर अपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँचोगे। तो सबसे पहले अपने ईयर पे क्लिक करना, 2023 को सिलेक्ट करना, मंथ पे क्लिक करना, दिसंबर को सिलेक्ट कर लेना है, कोर्स टाइप पर क्लिक करना है, CBES न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस होने लग पड़ेंगी जिन जिन क्लासेस का और सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिस क्लास का रिजल्ट आया है वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा और नीचे जाना आपने। तो अभी अभी जिस क्लास का रिजल्ट आया है वो है MSc ह्यूमन जेनेटिक्स FYIC USHS। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दो, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। तो जैसे किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।